हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए करियर और एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेकर आता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर कार्गो की जॉब्स के बारे में। एयर कार्गो की जॉब्स के बारे में हम सारे के सारे जो हैं आज डाउट्स क्लियर करेंगे। इस वीडियो को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ एयर कार्गो। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे एयर कार्गो की जॉब्स के लिए इंडिया के अंदर क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है और एयर कार्गो एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एयरपोर्ट पे। थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे COVID-19 के कारण एयरपोर्ट एयर कार्गो जॉब्स के अंदर क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं और आने वाले टाइम में क्या इसका जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा। फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर एयर कार्गो की जॉब्स के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन सी एयरलाइन कंपनीज़ हैं जो कार्गो के लिए हायर करती हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की, व्हाट इज़ एयर कार्गो। एयर कार्गो का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो उनको भेजने के लिए जो है एयर कार्गो का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो वो जब हमारे तक आती है तो वो डेफिनेटली एयर कार्गो के थ्रू ही आती है। और इंडिया के अंदर सबसे पहले जो एयर कार्गो है वो 1911 के अंदर स्टार्ट हुआ था, जो कि टाटा एयरलाइन जो अभी एयर इंडिया है उन्होंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था। और अभी इंडिया के अंदर फ़िलहाल एयर इंडिया और स्पाइसजेट ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एयर कार्गो का जो है यूज़ करती हैं। एयर कार्गो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, जो कि है क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर एयर कार्गो। इंडिया के अंदर अगर आप एज़ ए एयर कार्गो एजेंट के रूप में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। देखिए, आप अगर कार्गो के अंदर जॉब्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होता है 10th पास आउट। हाँ, डेजिग्नेशन का फ़र्क हो सकता है। अगर आप एक 10th पास आउट हैं तो आपको लोडर या कार्गो एजेंट के रूप में काम मिलेगा। अगर आप 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएट हैं तो आपको सुपरवाइज़र या ड्यूटी मैनेजर के रूप में भी काम मिल सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कार्गो अच्छा ऑप्शन नहीं है करियर के हिसाब से, लेकिन मेरा ये मानना है कि कार्गो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, अगर हम एविएशन के अंदर काम करना चाहते हैं और हमारे पास अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं भी है तो भी हम कार्गो के अंदर आराम से जॉब कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का जो कम्युनिकेशन और जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू बनने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और बहुत फ्लुएंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एविएशन के अंदर जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं और आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक भी है तो भी आप जो है कार्गो के अंदर अपना जो है करियर बना सकते हैं। और अगर आपका जो है क्वालिफिकेशन कम है तो भी आप कार्गो के अंदर जा सकते हैं। तो आई थिंक कि कार्गो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ़र्क ये है कि ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू के अंदर आप पैसेंजर को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन कार्गो के अंदर आप कार्गो को हैंडल कर रहे हैं तो जो कि लाइव नहीं है। वहाँ आप लाइव जो है ह्यूमंस को हैंडल करोगे और कार्गो के अंदर आप कार्गो को हैंडल कर रहे होते हैं। फ़र्क बस इतना ही होता है। और ऐसा नहीं कि कार्गो के अंदर जो है आपको अच्छी डेजिग्नेशन नहीं मिलती है, कार्गो के अंदर भी सुपरवाइज़र ड्यूटी मैनेजर है वहाँ तक की पोस्ट मिलती है। और उसके बाद में जो है हमारा अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप जस्ट 12th पास आउट हैं और आप एज ए कार्गो एजेंट एयरपोर्ट पर ज्वाइन करते हैं तो आपको 17,000 से 25,000 रुपये के बीच में एज ए फ्रेशर सैलरी मिलती है, जो कि बाद में बढ़ती भी है। और अगर आप ड्यूटी मैनेजर या सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी जो है एज ए ग्राउंड स्टाफ जो है सैलरी मिलती है। तो आई थिंक कि कार्गो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कार्गो के अंदर ऐसा नहीं है कि लड़के ही काम कर सकते हैं, इसके अंदर लड़कियां भी काम करती हैं। लड़के लड़कियां दोनों ही एयरपोर्ट कार्गो के अंदर जो हैं वो काम करते हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कार्गो सुपरवाइज़र ड्यूटी मैनेजर या एज ए कार्गो एजेंट, तो आई थिंक कि कार्गो इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री। अगर हम कार्गो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें कि कार्गो के अंदर हमें कौन कौन से जो है काम हैंडल करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर आपका शिपमेंट होता है, इनवॉइस का रिकॉर्ड रखना होता है, डेंजरस गुड्स होते हैं कि जो जो हम कार्गो के अंदर सेंड कर सकते हैं, जो जो नहीं कर सकते हैं उनका जो है हमें रिकॉर्ड रखना होता है, शिपमेंट का रिकॉर्ड रखना होता है। और इसके अलावा हमें जो भी इनवॉइस होते हैं कार्गो के लिए वो है जो वो रेडी करने होते हैं। तो जो भी सारा काम जो कार्गो से रिलेटेड होता है वो कार्गो एजेंट जो है वो करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की, हाउ कार्गो चेंज ड्यूरिंग COVID-19। COVID-19 के कारण कार्गो पे क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। देखिए, जब भी कोई एक इंसिडेंट होता है तो उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है।
वी एग्री कि COVID-19 के कारण एयरलाइंस को, पैसेंजर एयरलाइंस को काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस हुआ है, और पैसेंजर सर्विस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी DGCA के द्वारा की गई हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कार्गो प्लेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है जो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी मेडिकल सप्लाइज थी, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे या फूड सर्विस थी, वो सबसे ज़्यादा कार्गो प्लेन्स के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि COVID-19 के कारण कार्गो प्लेन्स ही थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस किए गए थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजने के लिए, फूड सर्विस स्टार्ट करने के लिए। तो इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है कार्गो के लिए। और मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा था कि कार्गो ऑपरेशंस राइज बाय 11% इन इंडिया। तो कार्गो के जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ है। देखिए, इंडिगो जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायर है A320 एयरबस का। तो अभी इंडिगो ने एक नई शटल सर्विस जो है लॉन्च की है, जिसके अंदर उन्होंने पैसेंजर सर्विस और कार्गो सर्विस भी है वो लॉन्च की है। तो आई होप कि इंडिगो भी बहुत जल्दी कार्गो ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, और हमारा जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल कार्गो प्लेन्स के ऊपर वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा डोमेस्टिक हमारी एयरलाइंस हैं, जैसे इंडिगो हो गया या विस्तारा हो गया, एयर इंडिया या स्पाइस जेट हो गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्गो के ऑपरेशंस करेंगे। जब इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक एयरलाइन कार्गो के ऑपरेशंस करेंगी, तो डेफिनेटली जो है एम्प्लॉयमेंट के ऑफ़र भी आएंगे, तो वैकेंसीज़ भी काफ़ी निकलेंगी। तो वैकेंसीज़ निकलेंगी और आपको मेरे इस चैनल के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो अभी आप अगर फ्री हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर होइए। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे कार्गो के लिए, तो आप उनको रीड करिए ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके, और जब कार्गो के जो हैं फॉर्म निकले तो आप उसके अंदर इमीडिएट अप्लाई कर सको। अभी हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कार्गो की जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, और कौन कौन सी जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं वो इंडिया के अंदर कार्गो के ऑपरेशंस करती हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट या स्पाइस मैक्स कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कार्गो के ऑपरेशंस करती हैं। इसके साथ में ही DHL और ब्लू डार्ट एविएशन कुछ ऐसी एयरलाइन कंपनीज़ हैं जो सिर्फ कार्गो के ऑपरेशन करती हैं, और उनके पास में खुद के कार्गो प्लेन्स भी हैं। तो इंडिया के अंदर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कार्गो की जॉब्स के लिए? तो कार्गो की जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने DHL, ब्लू डार्ट एविएशन, स्पाइस जेट, उनके जो लिंक्स हैं कार्गो करियर के, उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो कार्गो के ऊपर। आई होप कि आपको सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।